बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेजबान चौधरी अख्तर फारूक में हूँ। नाज़रीन किसान साथियों, आज आपको जो वीडियो दे रहे हैं वो भी मशरूम के सिलसिले में है और मशरूम पाकिस्तान में बढ़ता हुआ कारोबार है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग छोटी छोटी इकाइयों में छोटे छोटे अंदाज में छोटे सरमाए से कारोबार करना चाहते हैं। गुरबत बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, कोरोना ने बहुत सारे मसाइल को पैदा कर दिया है। जहाँ पर मसाइल पैदा हुआ वहाँ नई राहें भी निकली हैं। अब आप ज़मींदार नहीं हैं, आपके पास बड़ी जगह नहीं है, आपको छोटा कारोबार करना चाहते हैं, तो वो मशरूम एक बेहतरीन कारोबार है। आपका 2 मरले का है, 5 मरले का छोटा सा मकान है, छोटी सी जगह में 4x4 का, 5x5 का कमरा, बिल्कुल छोटा स्टोर है। ये आप पर डिपेंड करता है, आपके पास है क्या। बड़े सरमाए से भी कारोबार हो सकता है, लेकिन बात तो है कि छोटे सरमाए से भी काम वो कर ले जो बड़े सरमाकार हैं। तो ये जो हमारी वीडियोस हैं, जितनी भी हम देते हैं, हम छोटे सरमाकारों के लिए, छोटे किसानों के लिए, छोटे लोगों के लिए, कि जिनके पास सरमाकारी कम है वो करना चाहते हैं, वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। और बाकी की ज़रूरत पड़े, कोई भी आपको मामला हो, हम आपकी हेल्प के लिए, आपकी रहनमई के लिए, आप उसकी तरबियत के लिए, इसमें क्लासेस भी हमारी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हम आपके साथ तामन भरपूर करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं उमर आरिफ साहब, गुजराने से मशरूम का कारोबार करते हैं और बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं, और उनके बाद तजर्बात हैं। लेकिन जब उन्होंने कारोबार को शुरू किया था, उनके साथ जिन लोगों को पता था, कोई तावन नहीं थे करते, दिखाते सीधी थे, मारते उठते थे, लेकिन बहरहाल उनकी लगन ने, उनके जज्बे ने उनको उन चीज़ों को शिकस्त दी थी कि जो लोग उनको मिसगाइड करते थे। आज वो आपको रहनुमाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आरिफ साहब, क्या हाल है जी? मैं ठीक सर। उमर आरिफ साहब, मुझे बताइए कि ये जो मशरूम है, ये छोटे पैमाने पर लोग कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर काश्त कर सकते हैं? सर जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। क्या आपका तजुर्बा क्या है, आपने कैसे किया इसको जरा? सर सबसे पहले तो मैंने छोटे पैमाने पे किया था, ठीक है। बटर मशरूम भी मैंने छोटे पैमाने पे किया था, बटर मशरूम जरा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है सबसे, ठीक है, लेकिन मैंने कर ली थी। और ऑस्टर मशरूम है, वो भी काफी अच्छा है, यानी बहुत कम लेती है मार्जिन और काफी ज्यादा आपको दे जाती है मुनाफा आपको, ठीक है। इसमें अच्छी वैरायटीज कौन सी हैं पाकिस्तान में जिसकी ज्यादा वो है, वो बताइए। सर बटर मशरूम है, ऑस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम, अब मेडिसिन मशरूम्स बहुत आ रही है मार्केट में। अच्छा। और माशाल्लाह काफी लोग इस पर अच्छा काम कर रहे हैं, और एक मैं कहना चाहूंगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेडिसिन मशरूम को बहुत आगे लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो बड़े शहरों में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के अलावा और भी कई मार्केट है, यही बड़ी मार्केट है सर, है उधर मार्केट वगैरह, मतलब ज्यादा यहाँ पर खपत होती है सर। बड़े शहरों में डिमांड इसलिए ज्यादा, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जी, चाइनीज अब आ रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, वो उसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। और लाइक जो पेशेंट्स लोग हैं, जो जिनको गोश्त बंद कर दिया डॉक्टर ने जी, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये अच्छी गोश्त का भी नहीं बदला ये? बिल्कुल सर, सही कहा। वो सारा तमाम प्रोटीन जो गोश्त में है, वो सारी चीजें इसमें है, मौजूद है जी, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। जायके में भी है, जायके में भी है, जिंदाबाद। अगर कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं, परेशान होते हैं क्या, अगर कहीं जिनको नहीं पता है, उन्होंने कास्ट कर लिया है और वो कास्ट करके अगर वो आपको देना चाहें, तो आप उनकी सेल करवा सकते हैं आप? सर बेसिकली ये कि मैं उनसे बाय कर सकता हूँ। आप बैच कर सकते हैं जी, असल बात तो ये है कि आप उनकी चीज आप किसी और को दें या ना दें, उनको पैसे मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन परेशान नहीं होगा, आपको उमर आरिफ साहब ने कहा कि अगर आपने कास्ट की हुई और आपके पास माल पड़ा हुआ है और आप समझते हैं वो बायर नहीं मिल रहा, अब हमसे रब्ता कीजिए, आपकी ये सेल करवा देंगे जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा ना कि ये तो अभी पाकिस्तान में इसका इतना ट्रेंड नहीं है, रुझान बनते 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 हैं, पाकिस्तान में एक शुतर फार्मिंग की गई, ट्रेंड बना, सिलसिला हुआ, गवर्नमेंट ने दोबारा सब्सिडाइज नहीं कर सकी, इसलिए वो ट्रेंड फ्लॉप हो गया, वो सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये तो छोटे पैमाने पर लोगों ने बगैर गवर्नमेंट की असिस्टेंस के खुद ही इसको शुरू कर लिया। क्या ये खाने के अलावा इसका कोई और भी इस्तेमाल है? सर इसका सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल ये कि हेल्थ वाइज बहुत अच्छी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। एक तो सबसे पहले आपने खुद कहा गोश्त का अल्टरनेट मतबादल है, और सेहत का अच्छी से मतलब किन बीमारियों के लिए? डायबिटीज, ठीक है, हार्ट पेशेंट्स, ठीक है, और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है उनके लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यून सिस्टम को बहुत तेज कर देते हैं। सबसे अच्छा काम इसका आपके ब्लड के अंदर जो चिकनाई है, कोलेस्ट्रॉल है, जो कई बीमारियों की जड़ है, उसको खत्म करता है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर कोई फार्मर को चीज पैदा कर लेता है,
अगर वो जींस बनारस बाजपे में ना बेचे तो उसकी बाई प्रोडक्ट बनाता है, और बाई प्रोडक्ट बनाने से उसकी उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है। इसकी भी कोई बाई प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है? सर इसकी मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स आ गई हैं और काफ़ी फार्मर्स इस पर काम कर रहे हैं, उनमें से मैं भी हूँ। मैंने इस पर अचार पे इसको काफ़ी काम किया है, ठीक है। लेकिन अचार में मैंने सर डिफरेंट वेराइटी लेके आया हूँ, एक देसी अचार है, एक अरबिक स्टाइल में मैंने किया हुआ है विनीगर में, ठीक है। और दूसरा मैंने इसकी प्रोडक्ट्स बनाई है लाइक स्नैक्स की तरह, एक फ्राइड मशरूम मैंने किया है ओस्टर को, जो बिल्कुल चिकन कार्टिनेट पे फ्लेवर उसका वैसा है लेकिन वो हेल्दी है, ठीक है। फास्ट फूड में ही आता है लेकिन वो हेल्दी है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी सॉस बनाई है जो हाई प्रोटीन है, ठीक है। मसलन जिन्हें अपना वेट लॉस करना है और फास्ट फूड लवर है उनके लिए परफेक्ट चीज है ये। मतलब जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और फास्ट फूड लवर हैं तो उनके लिए जो इसकी आपने बाई प्रोडक्ट सॉस बनाई है वो बहुत अच्छी चीज है जी, बहुत अच्छा। एक और बात मुझे बताइए, क्या ये अचार के अलावा कहीं सुना है पिज्जा और बर्गर वगैरह भी कहीं यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है? सर होती है लेकिन मोस्टली लोग कैन यूज कर रहे हैं पिज्जा में, अच्छा। लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है, असल चीज का फ्रेश का है, फ्रेश का इस्तेमाल जी है। आप फ्रेश इस्तेमाल करने के हवाले से आप लोगों को क्या मशवरा देते हैं कि वो लोगों का देखो गाइडलाइन होती है ना, रहनमाई होती है, तो जब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है तो आप कैसे अवेयरनेस देंगे, कैसे आप करेंगे, बताइए जरा मेरा सामने। सर सबसे पहली बात ये है कि मैं उनको ये कहता हूँ कि गोश्त का अल्टीनेट है, आप फास्ट फूड खा रहे हैं माना उसमें हर चीज आपके लिए नई सेहत के लिए अच्छी है, वो आपको मोटापा भी कर रही है, ठीक है। एक चीज अच्छी डल जाएगी वो जैसे मैं मशरूम की बात की थी, बटर मशरूम की, ठीक है। फ्लेवर वाइज भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर करेगा, डाइजेशन आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मार्केट में जब गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दिया था शुतुरमुर्ग का, अब शुतुरमुर्ग का प्रोजेक्ट था उसमें जो गोश्त उसका बिक रहा था 1600 रुपए लेकर 2000 रुपए किलो, छोटा गोश्त भी जहाँ तो वो 1200 रुपए 1400 रुपए किलो तक जा रहा है। अब गरीब आदमी तो मतलब कटे का गोश्त खाने के लिए उसको उसकी हिम्मत नहीं है, क्या इसकी कीमत आम आदमी की अप्रोच में है कि वो एक किलो ले ले और उसको गोश्त अपनी हंडिया बना ले, या क्या है आपकी क्या राय है इस बारे में? सर बेसिकली इसकी बात है इसकी मार्केट में कोई फिक्स प्राइस नहीं है, अच्छा। जिस हमारे मार्केट में आलू गोश्त तो मुर्गी हर एक फिक्स प्राइस मार्केट इशू करती है, ठीक है। उसके अलावा उसका चेंज भी होता है, वो सारे इम्प्लीमेंट होता है पूरे पाकिस्तान में, इसके साथ ये ऐसी कोई कहानी नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से कई रेट आपको डिफरेंट मिलेंगे, कुछ कम देंगे कुछ ज्यादा देंगे, जिसकी वजह से बड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं इस मामले में। वैसे इसकी एक वजह ये भी है कि कोई चीज एक वक्त था कि बिलियर्ड कहा जाता था, बहुत बड़े बिजनेसमैनों का खेल है, और वही बिलियर्ड हर गली कूचे में कोनों में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ट्रेंड बन गया ना, मुतारफ करा दी गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह अजीज विद इन Years, ये हर आदमी हर आम आदमी के दरवाजे पर उसके दहलीज पर उसके किचन तक पहुंच पाएगी जब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा होगी, लोगों की तलब, जब तलब बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी होगी, जब तलब नहीं है तो प्रोडक्शन भी कितनी होती है। बहरहाल अभी ये एक अभी तो ट्रेंड देना है लोगों को। आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहूँगा कि ये खाने में गोश्त का कौन सा टेस्ट देती है, बकरी के देती है, कट्टे का गोश्त देती है, कौन सा टेस्ट है? आपकी क्या राय है इस मामले में? सर बटर मशरूम का जरा जायका मक्खन नुमा और अंडे की सर्दी नुमा है, लाइक आप फ्राइड ऑमलेट खाते हैं, ठीक है, अंडा उबला अंडा खाते हैं लाइक उसका वैसा फ्लेवर है, ठीक है, और थोड़ा सा मक्खन का भी टच है, ठीक है। जो ऑस्ट्रो मशरूम है वो काफी हद तक चिकन से मैच करती है, ब्रॉयलर मुर्गी से फ्लेवर से काफी हद तक बहुत ज्यादा मैच करती है, ठीक है। और उसका ऑमलेट में लाइक कीमे का फ्लेवर आता है, मैंने खुद उसको घर में बनाया तो बिल्कुल ऑमलेट में कीमे का ही फ्लेवर उसका टेक्सचर आया सारा, ठीक है। अच्छा इसकी कोई डिशेज भी बनती हैं? बहुत ज्यादा डिशेज हैं, सबसे ज्यादा डिशेज इसकी इटालियन है, ठीक है, चाइनीज है, ठीक है। पाकिस्तानी खानों में भी मैंने इसको यूज किया, लाइक ऑमलेट सबसे नंबर वन है, ऑमलेट इसका बहुत जबरदस्त बनता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी भुजिया बड़ी अच्छी बनती है, ठीक है। इसका सूप बड़ा अच्छा बनता है, इसका सैलड तक बनता है, इवन इसका पकौड़े बड़े मजे के बनते हैं। क्या इसका पराठा भी बनता है? पराठा सब बन सकता है, इसका बन सकता है जी, बन सकता है, ठीक है, ठीक है। तो जी नाजरीन ये तो हमारे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मशरूम इतनी कारामद चीज़ है, और अगर आप इसको लेना चाहें
तो आप ले भी सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उमर आरिफ साहब आपकी रहनमाई करेंगे, आपको गाइडलाइन देंगे। इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई हुई है, अचार है, दूसरी चीज़ें आपको जो लेनी है, आप हमसे रब्ता कीजिएगा, आपके दहलीज पर पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। और उमर आरिफ साहब आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। उमर आरिफ साहब, जो कोई आखिरी पैगाम आम शहरियों के लिए इस मशरूम के हवाले से अपनी देना चाहते थे? सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा जितने तमाम फार्मर्स है कि इसमें डिसहार्ड नहीं होना आपने, यानी आपने हिम्मत नहीं हारनी। शुरुआती अमल में आपको बड़े झांसे मिलेंगे, बड़े ख्वाब दिखाए जाएंगे, लेकिन इतना मैं कहूँगा इसमें अभी मुश्किलात हैं, लेकिन मुस्तबिल में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी, हमारे इकोनॉमिकल वाइज भी और हमारे माहौल के हवाले से भी, क्योंकि इसकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती मशरूम की। जी, जागते रहना, हम पर ना रहना। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तेकामत दे। उमर आरिफ साहब आपके साथ रहेंगे। आपको मशरूम की काश के वाले से कोई चीज़ चाहिए, जब भी पूछना हो तो बताइएगा, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। मशरूम काश कीजिए, सरमाया कम से कम सरमाए से कारोबार कीजिए, और इंशाल्लाह अज़ीज़ किसानों और आम शहरियों के हवाले से ये बहुत बड़ी हुआ है, और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी टिप है कि जो शहरी इलाकों में रहते हैं और कारोबार नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत है। आप देखते रहिए नदाय किसान टीवी को, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और आपको अचार और इसकी प्रोडक्ट चाहिए तो हमसे रब्ता कीजिएगा, आपको आपके दहलीज पर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।